जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक, एक्स पैरामिलिट्री सैनिक, और बता दें कि जो फ्रेशर हैं, डिपेंडेंट हैं, वार्ड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी निकली हुई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से है, ये ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कई लोगों के कमेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था, सर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में जॉब बताना है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलने वाली है अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म भरने की डेट कब है, और नोटिफिकेशन जारी हुआ है 20/4/2022 को। इसके बाद निगम की संपूर्ण पूर्ण स्वामित्व की इकाई है, यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है विपणन विभाग ने निकाली हुई है, इसमें कर्मठ जुझारू लग्नशील युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। पद का नाम बताएंगे और संख्या कितनी है, और इसके बाद सैलरी क्या मिलेगी। इसमें बता दें कि सभी लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो भी पूरा प्रोसेस बताएंगे, कार्य क्या होंगे इसमें वो भी बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो क्षेत्रीय प्रबंधक की वैकेंसी है, 17 वैकेंसियां हैं जिसमें कि सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये पर मंथ, प्लस हर साल 10% एक्स्ट्रा आपको इसमें सैलरी में बढ़ाया जाएगा। हर साल 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, हर जितनी भी हैं सब में 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके बाद जिला प्रबंधक जिसमें 66 वैकेंसियां हैं और 25,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, इसमें भी 10% हर साल बढ़ाया जाएगा। इसके बाद तहसील प्रबंधक की 660 वैकेंसी है जिसमें 20,000 सैलरी मिलेगी, प्लस इसमें जो अलाउंस मिलेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या अलाउंस मिलेंगे। इसके बाद तहसील प्रबंधक की 660 वैकेंसी, कार्यकारी प्रबंधक की 4 वैकेंसी हैं। अभी इसमें थोड़ा इनका क्या काम है कैसे आपको ये बता देते हैं, क्योंकि कई लोग इसमें कमेंट करते हैं सर इनके काम क्या रहेंगे। जो क्षेत्रीय प्रबंधक होगा, क्षेत्रीय प्रबंधक उसके अंतर्गत 10 जिला प्रबंधक आते हैं। 10 जिला प्रबंधक उनके अंदर अंतर्गत आएंगे। जो जिला प्रबंधक होंगे उनके अंदर 10 तहसील प्रबंधक आएंगे, और जो तहसील प्रबंधक होंगे वो लोकल अपना लोकल लेवल में रहेंगे। इनके अंतर्गत लगभग 5 से 10 गांव आएंगे। तो तहसील प्रबंधक, तो तहसील में जॉब है। तो बता दें कि ये जॉब सभी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है, किसमें कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें ध्यान रखें जो भी आवेदन भरेंगे सही, कोई भी गलत जानकारी ना भरें। क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री यानी कि स्नातक की डिग्री मांगी गई है, तो एक्स सर्विसमैन की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इसमें वैलिड है। जिला प्रबंधक के लिए 12th पास मांगा गया है, इसमें भी जो वैकेंसी निकली हुई उसमें 12th पास मांगा गया। सबसे ज्यादा वैकेंसी तहसील प्रबंधक की निकली हुई है जिसमें 10th पास मांगा गया है। जो भी 10th पास है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और कार्यकारी प्रबंधक जिसका काम जिसके स्नातक यानी डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएशन होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें है और इसमें 10th पास मांगा गया है, जरूर अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो योग्यता अन्य योग्यताएं देख लेते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए जो भी इसमें अप्लाई करना है। चरित्र उत्तम या अच्छा होना चाहिए। आयु सीमा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आयु सीमा कितनी चाहिए। क्षेत्रीय प्रबंधक की 25 से 45 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चाहे एक्स सर्विसमैन है वो भी 45 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे 45 से एबो जिनकी एज है उनके हिसाब से वीडियो बनाएंगे, ये 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। जिला प्रबंधक के लिए 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और तहसील प्रबंधक से 21 साल से ज्यादा 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से 40 साल चाहिए। ई कॉमर्स के लिए 21 से 40 साल चाहिए जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो 40 और 45 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 10/5/2022, यानी 10 मई 2022 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क इसमें पड़ेगा, तो आवेदन शुल्क बता दें काफी ज्यादा पड़ता है, इसलिए कई लोग इसमें अप्लाई भी नहीं करते हैं।
तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें काफी वैकेंसी भी है और आवेदन शुल्क ज्यादा होने के कारण कोई अप्लाई नहीं करता। क्षेत्रीय प्रबंधक सभी वर्गों के लिए जो फीस रहेगी सेम रहेगी, 944 रुपये है। जिला प्रबंधक के लिए 826 रुपये है और 708 रुपये है तहसील प्रबंधक के लिए। 826 है कार्यकारी प्रबंधक के लिए। इसमें सारे जीएसटी सारी चीज मिली हुई है। इससे ज्यादा आपको कोई फीस जमा नहीं करनी है। अभी कई लोग कहेंगे सर फीस में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो इसमें क्लियर दिया हुआ है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र की पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है। तो जो प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उसके कारण से जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको कोई किसी तरह की छूट नहीं दी गई है, चाहे कोई भी इसमें अप्लाई करें सभी के लिए आवेदन शुल्क सेम रहेगा। ये अभी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके कारण से ऐसा हुआ है। इसके बाद पद अनुसार इसमें लक्ष्य और कार्य के बारे में बता देते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक का मैंने पहले बता दिया है, जो क्षेत्रीय प्रबंधक होगा जिला प्रबंधक की सहायता से उसको काम करने हैं और 1500 खुदरा विक्रेताओं और वस्तु निर्माताओं का पंजीकरण कराना है। यानी कि जो कई कोई चीज बनाते हैं या उनको खरीदते हैं उनका पंजीकरण कराना होता है इसमें। तो उनकी सहायता के लिए 10 जिला प्रबंधक होते हैं, जिला प्रबंधक पूरा काम करते हैं। इसके बाद इसमें दिया है 10 जिला प्रबंधक होते हैं। इसके बाद इनके कार्य कर्तव्य क्या इनको लाभ है वो भी बता देते हैं। इनका इनका कार्य है क्षेत्र में जिला प्रबंधक नहीं होने पर पूरा कार्य इनको ही करना होगा अगर जिला प्रबंधक नहीं है। इसके बाद आपके लाभ क्या होंगे, तो सैलरी मिलेगी आपको 35,000 पर मंथ जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद प्रतिवर्ष मासिक वेतन में जो प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी वो 10% की होगी। इसके बाद ये यानी कि वाहन भत्ता भी इसमें 1,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा, यानी हर महीने मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा पद है उसके लिए भी देख लेते हैं। जिला प्रबंधक के लिए जो इनके इनका काम है इनके अधीन रहेंगे तहसील प्रबंधक, तहसील प्रबंधक की सहायता से ये काम करेंगे। 1500 खुदरा विक्रेताओं वस्तु निर्माताओं को पंजीकरण कराना होता है इनको, तो ये काम इनका है। इसके बाद अभी इसमें 10 तहसील प्रबंधक इनके अधीन होंगे, यानी कि इनके साथ काम करेंगे, इनसे नीचे होंगे। इनका भी लाभ बता देते हैं, 25,000 रुपये मासिक सैलरी होगी, मंथली सैलरी प्लस 10% पर ईयर इनकी बढ़ोतरी होगी सैलरी में। 2,000 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा इनको। इसके बाद जो तहसील प्रबंधक है जिसमें काफी वैकेंसी निकली, 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम मासिक 150 खुदरा विक्रेताओं को इनको इनका लक्ष्य होगा उनका रजिस्ट्रेशन कराना। इसके बाद पूरे तहसील में इनका काम होगा, जितने गांव हैं तहसील में वो सारे इनके अंडर आएंगे। इसके बाद लक्ष्य इनका जो इनका मासिक मासिक वेतन रहेगा 20,000 रुपये पर मंथ रहेगा प्लस 10% इनकी बढ़ोतरी होगी सैलरी में हर साल। इसके बाद 3,000 रुपये इनको वाहन भत्ता मिलेंगे, यानी कि टोटल 23,000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगी सैलरी, ये ध्यान रखें। इसके बाद अभी कॉमर्स वाला बता देते हैं। जो कॉमर्स के लिए है उसमें सभी रिपोर्ट इनको संलग्न करनी होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जितने ऑर्डर प्रोसेसिंग होंगे उनका कार्य इनको करना पड़ेगा। 15,000 प्लस 10% इनकी सैलरी में हर साल बढ़ेगा। इनको वाहन भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी फील्ड की नौकरी नहीं रहेगी। अभी इस विज्ञापन में बता दें कि आपको जो विज्ञापन दिया है कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें तभी आप इसका सही फॉर्म भर पाएंगे। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसके थ्रू आप फॉर्म भर लें। 25 यानी 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बता दें, चयन प्रक्रिया आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस वो सही डालें जिससे आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत ना हो, और वही इसमें ईमेल आईडी में आपका यूजर नेम पासवर्ड भी आएगा। अभी इसमें हम कैसे फॉर्म भरना है वो भी बता देते हैं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं सर फॉर्म कैसे भरना है। इसमें एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा, जिसमें लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी जिसमें 33 यानी 17 नंबर लाना जरूरी है, और साक्षात्कार परीक्षा में भी 17 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि
36% टोटल नंबर लाने हैं, 18-18% दोनों में लाने हैं। 36% से कम जिसके अंक आ जाते हैं, 100 में 36 नंबर जिससे कम आएंगे वो इसमें फेल माना जाएगा, तो ध्यान रखें। अभी परीक्षा का स्थान बता देते हैं। परीक्षा के स्थान के लिए आपके लोकल में ही रहेगा, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की, इसमें जाके आप ऑनलाइन आवेदन में क्लिक करेंगे, इसमें आप फॉर्म भर लेंगे। उससे पहले आप नीचे देख लें, नीचे भी कई चीजें लिखी होती हैं जो कि बहुत अच्छी काम की हैं। आप बीपीएल उत्पादों की डीलरशिप भी ले सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। बीपीएल उत्पादों की डीलरशिप प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर यह दिया हुआ है, आप इनके उत्पादनों की डीलरशिप ले सकते हैं। इसके बाद नौकरी के लिए भी इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया है, नौकरी पाने के लिए आप इसमें बात कर सकते हैं। कैसे क्या है, जो मैंने प्रोसेस बताया सेम यही प्रोसेस है नौकरी पाने का। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी ले सकते हैं, जो कि ये नंबर दिया है इस पे कॉल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं, डीलरशिप भी ले सकते हैं। आप फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो वो बता देते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास नया पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपको ये फॉर्म निकल के आया है, इस फॉर्म में आपको भरना है। तो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, किस स्टेट के हैं वो आपको देखना। सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है क्षेत्रीय प्रबंधक में अप्लाई कर रहे हैं, या जिला प्रबंधक में, या तहसील प्रबंधक में, कार्यकारी प्रबंधक में। तो मैं एक का बता दे रहा हूँ, वैसे ही सभी का है। अगर आपने क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए अप्लाई किया है तो इसमें ग्रेजुएट आ जाएगा, कि यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए और फीस इतनी लगेगी। लेकिन अगर आपने जिला तहसील प्रबंधक के लिए अप्लाई किया है तो आपका 10th पास इसमें ऑटोमेटिक ले लेगा, और ये फीस 708 रुपये लगेगी। इसके बाद अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर भी डालना है। इसके बाद नेक्स्ट, फादर नेम, ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही डालना है, जो मार्कशीट में आपके लिखा है। पिन कोड भी डालना है। इसके बाद सबसे मेन चीज आ जाती है अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सेलेक्ट करना है। पहले तो स्टेट आप चूज करें, जैसे मैं एक भर के बता देता हूँ, यूपी का आपने भरा है, यूपी। इसके बाद तहसील डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ही तहसील करें। डिस्ट्रिक्ट मैं बता देता हूँ एक लेके, जैसे मैं भर दे रहा हूँ कानपुर देहात या नगर, कुछ भी भर सकते हैं जो आपकी आपका है लोकल, आप जिसमें नौकरी करना चाहें। तो ये एक गांव भी ले लेता हूं मैं, गांव भी डाल दिया, तहसील सिकंदरा डाल दी है, तहसील सिकंदरा। इसके बाद आपका गांव आएगा, तो गांव में भी आपको लिखना है कौन से गांव में आपको, किस गांव में आप हैं। तो आप कोई भी एक गांव सेलेक्ट कर लें, तो आप जिस तहसील में हैं उस तहसील में आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद पिन नंबर भी आपको डालना है, जिस ये पिन नंबर भी जो आ जाता है वो पिन नंबर डालना है। इसके बाद फोटो आपको अपलोड करनी है, 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें आपको फोटो अपलोड करनी है। इसमें सिग्नेचर, एक फोटो खींच के रखनी, सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसके बाद आई एग्री में क्लिक करके, आई एग्री में क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपकी फीस मांगेगा, फीस इतनी जमा करो, फीस लगेगी। इसके बाद आपका फॉर्म भर जाएगा, तो फीस नेक्स्ट के बाद फीस जमा होगी, वो भी ऑनलाइन ही जमा करनी है। तो ये था वीडियो जिससे कि आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में किसी भी जिस डिस्ट्रिक्ट के, जिस स्टेट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट के आप भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।